अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अल्लाह पाक के करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ उसका नाम है राव उसामा जावेद, जो कि तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है। ये तहसील जतोई का एक उभरता हुआ स्टार है। ये एक ऐसा स्टार है जिसने कहते हैं बिल से भी सर निकाला है और उकाब के साथ पंगा ले लिया है। मतलब राव उसामा जावेद, इनके अभी कोई ख़ास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और इनकी टक्कर हो गई है वेला मुंडा, जो कि चौक मुंडे का रहने वाला है, उस सरायकी खिते का एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ फ्रेंड, इनकी टक्कर हो चुकी है वेले मुंडे के साथ। तो वेले मुंडे के साथ इनका क्या मसला चल रहा है, क्या रफड़ चल रहा है, क्या रोला चल रहा है, आज मैं ये इन्हीं की ज़बानी पूछता हूँ कि वेले मुंडे के साथ इनका क्या मसला चल। जी उसामा जावेद साहब, आप हमें बताएँ, आप जो बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि वेला मुंडा वेला मुंडा, तो आप बताएं वेले मुंडे ने ऐसा आपके साथ क्या क्या जो आप इतना ज़्यादा क्या नाम गुस्सेल दिखाई देते हैं, गुस्से वाले दिखाई देते हैं। व्यूवर्स, आप लोग वीडियो तो देख रहे, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया, अब आप फकरे मुल्तान टीम में शामिल हो गए, टीम में शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो सर आपका शुक्र है कि आपने मुझे इस काबिल समझा के मेरा इंटरव्यू लिया। तो यार गुस्से वाली बात नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो यार मैंने ना तकरीबन यूट्यूब बनाया हुआ तो तकरीबन 2 ही माह हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना यार जो हमारे मुजफ्फरगढ़ के जो हमारे अपने इलाके के एक यूट्यूबर हैं वेला मुंडा, क्यों ना मैं जाके उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि वो भी एक मेरी इतना गरीब यूट्यूबर थे, तो माशाल्लाह यूट्यूब का मुझे भी बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मैंने कहा कि क्यों ना वेला मुंडे भाई से, शहजाद उर्फ वेला मुंडे से रबता करके जाऊँ, तो मेरे इरादों के चौक मुंडे जाऊँ। जब मैं चौक मुंडे गया तो मुझे कसम से दिल बहुत ही इकट्ठा हुआ मेरा, यकीनन मुझे इतना अफसोस होना जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि मैं एक गरीब ख़ानदान से था। तो वो आजकल जब मैं उसके इलाके में गया ना, सबसे पहले जब मैं चौक मुंडे के अंदर गया तो लोगों ने मुझे बताया कि जो शहजाद भाई है वो आजकल पैसों को बड़ा यानी समझते हैं, गुरूर करते हैं, पैसों के तकबर है उसको इतना है कि जब मैं उसके चाचू की दुकान के पास गया तो उसके चाचू ने भी मुझे यही बताया कि भाई इस बंदे को पैसे का बहुत ही गुरूर है। मैं लेकिन सारी बातों को छोड़ के ना, हालांकि इससे पहले मैंने अपने इलाके के लोगों से भी सुना था कि वेले मुंडे के बारे में, तो मैंने कहा कि लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, क्यों ना मैं मेरे के भी मुझे ना खुद जाना चाहिए वेले मुंडे के पास, जो शहजाद भाई उससे मिलना चाहिए। तो जब मैं गया शहजाद भाई के पास तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। तो आप चाय भी साथ साथ पिए, नहीं तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। जैनुल आबिदीन कहता है एक कप गरम चाय, आय हाय आय हाय। तो इसी के साथ जैसे वेले मुंडे का कहना है, वो अपनी हर वीडियो पे कहता है मुझसे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स मिलने आते हैं, मेहमान मिलने आते हैं, अगर आपने मुझसे मिलने आना है तो सबसे पहले आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रबता करें, आप मुझसे रबता करके आएँ ताकि मैं आपको टाइम दे सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बगैर बताए उसके घर चले जाते हैं, तो वो जाहिर बात हर किसी को टाइम नहीं दे सकता। तो आप क्या उसे टाइम लेके उसके घर नहीं गए थे? सर सबसे पहले तो ये देखो, अगर बंदा घर ना मौजूद होता ना तो फिर समझ जाती है कि चलो मेरी गलती है। जब एक बंदा घर में मौजूद है, उसके तीनों भाई घर मौजूद हैं, तो उसके वाले सब झूठ बोल रहे हैं, तो कम अज़ कम उनको हया नहीं चाहिए। उसके जब मैं उसके वाले साहब के पास गया ना, तो उसके वाले साहब ने मुझे कहा कि भाई शहजाद भी घर पर नहीं है, ना ही उमैर है और ना ही ये उसका तीसरा भाई है। तो नहीं नहीं, आप मेरी एक्चुअली बात नहीं समझे। जैसे वेले मुंडे ने कहा कि आप उससे रबता करके आएँ, ठीक है, जो बंदा रबता करके जाता है वो अगला बंदा उससे मिलने का पाबंद होता है। अगर आप रबता करके ही नहीं गए तो वो तो उसके ऊपर भाई, वो मिले ना मिले, हो सकता है वो घर सर पे मेहंदी लगा के बैठा हो, रंग लगा के बैठा हो, कुछ ऐसी कंडीशन में बैठा हो जिससे वो दूसरे बार किसी और से ना मिल सके। तो आप मुझे बताएं कि आप उससे रबता करके गए थे? सर मेरे पास उसका वेले मुंडे का नंबर भी था, तो मैंने उसको कॉल की थी बकायदा कि शहजाद भाई मैंने आपके पास आना है, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, तकरीबन मुझे याद नहीं है 2-3 दिन का टाइम दिया, तो मैं लेट हो गया था उस टाइम से, क्यों बंदा झूठ बोले। तो जब मैं उसके वालिद साहब के पास गया ना, तो मैंने उसके वालिद साहब को कहा कि भाई मैंने शहजाद भाई से मिलना है, तो उसके वालिद साहब ने कहा तो ये तीनों भाई ना घर पे मौजूद नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके वालिद साहब सर इतने ही, मैं कहता हूँ जितने ही अपने चैनल पे अच्छे बन के दिखाते हैं, मैं कहता हूँ मेरी सोच मिले जितने ये बंदे बगैर तीन है, ये बंदे मेहमान की कदर ही नहीं करते। नहीं नहीं, ये आप ये मेरे चैनल पर ऐसा आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जिससे मेरे चैनल को कोई मसला आ सके। नहीं नहीं सर, मसला की ये कोई बात नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता, आप अपने जिगरा बंदे कुछ नहीं होता, ये ऐसे कहते रहते हैं ये लग जाएगा स्ट्राइक लग जाएगा, कुछ भी नहीं होता, जो हक है वो जो सच लोगों को सामने लेकर आओ,
ठीक है ना। तो जब वो घर मौजूद है उसके वाले सामने झूठ क्यों बोला, सबसे पहली बात तो यह है। जो वो इतने हाजी मौलवी के बेटे बन के दिखाते हैं जी, मेरे बेटे तो ऐसे हैं जी, मेरे बेटे तो ऐसे हैं, जब उसके वाले साहब ने जो झूठ बोला कि वो घर पे नहीं है, तो वो पानी तक उसके वाले साहब ने सलाह नहीं की। जब उसके वाले साहब ऊँट के लिए घास काट रहे थे ना, तो वो अंदर जो गए तो मैं छुप छुपा के जो उनके घर वाली साइड पर गया, तो उसका भाई भी घर पर था, उनकी गाड़ी भी घर थी, और वो तीनों भाई घर ही बैठे थे। सर वो जब देखते हैं ना, अगर बंदे के हाथ में मिठाई का डब्बा हो तो दो चार पैसे हो, तो वो बंदे को उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई जो जाता है ना, कोई देखता है, वो खाली आता है, वो ऑटोमेटिक बाहर ही बंदे को उसको सीसीटीवी कैमरे लगे, वो अंदर से देख लेता है, तो उनको पता चल जाता है उसको कि भाई जान ये बंदा ऐसे ही अपने मतलब के लिए आया हुआ है, ठीक है। और जो ही वो बाहर बेहतर किसी को कहते हैं, उसको कह दो शहजाद घर नहीं है। आपका कहना है वो सीसीटीवी कैमरे से देख लेते हैं, अगर जिसके हाथ में कोई पैसे या मिठाई का डब्बा या कोई फल फ्रूट है तो उससे मिलते हैं, इसके अलावा किसी और से वो नहीं मिलते। जी हाँ बिल्कुल, अगर उस साल जब मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास इतनी पैसे नहीं थे कि मैं उसके पास, एक तो मैं इतना किराया भाड़ा लगा के गया, किराया इतना लगा के गया, तो मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी सर। हर किसी की जेब कम वो होता है, मैं अपने घर के अंदर इस वक्त अपने घर का सर्कट चलाता हूँ मैं, और मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं उसके लिए इतना जी लेके जाता मिठाई वगैरह, तो ना ही मैं इतना शहनशाह का बैठा हूँ। मैंने तो अपने व्लॉगिंग चैनल पे भी यही बताया लोगों के भाई मैं एक सब्ज़ी वाला हूँ, तो मैं एक सब्ज़ी बेचता हूँ, तो मैं अनकरीब अपने कोर्स चैनल भी बनाऊँगा रोज समझ सब्ज़ी वाले के नाम से, ताकि मैं लोगों को बताना चाहूँ कि भाई मैं सब्ज़ी वाला हूँ। अच्छा मेरा एक सवाल और है, अभी आपके बातों में से मेरे सवाल एक दिमाग में आया है। आप जो वेला मुंडे के पास गए हो, आप कहते मैं गरीब हूँ, मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप वेले मुंडे के पास किस मकसद से गए थे? आप उसके पास चैनल प्रमोशन से प्रमोशन के लिए गए थे, या उससे कोई ख़ास मोहब्बत थी जो आपको वहाँ पर खींच लेके गई? आप काइंडली मुझे इस बारे में ज़रा कुछ बताएं। सर सबसे पहले तो मेरे काफ़ी सर जो मेरे व्यूवर्स थे ना, जो मेरी वीडियो देखते थे, वो कहते थे कि उसामा भाई अपना मैं थोड़े बाहर के सैर करो, जो आप शहजाद भाई ना वेला मुंडा, आप उनके पास जाओ। तो उनके खिलाफ भी लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी, तो मैंने खुद ने भी देखी, उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा शहजाद भाई से मिल करो, तो हमें भी पता चलेगा आप शहजाद भाई के पास जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मेरे इरादा हुआ कि क्यों ना मैं शहजाद भाई के पास जाना चाहिए मुझे। तो वैसे भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ दिल से, तो मैं उनकी वीडियो देखा करता था पहले, बहुत शौक से वीडियो उनकी देखा करता था, जैसे वो वीडियो के अंदर अच्छे नज़र आते थे ना, लेकिन वो है नहीं इस तरह के बंदे। तो अभी आपने बातों में कहा कि अच्छा मुझे एक बात है, आपने अपने वीडियो में कहा है वेला मुंडा एक सेल्फी के 9,000 रुपये लेता है, इंटरव्यू के भी पैसे लेता है, तो ये बात आपको किसने कही है, ये बात किस हद तक सही है? सर जी ये बात मैं कहता हूँ हर बंदे से पूछ लें, मैं तो इधर जुतोई का हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ आप चौक मुंडे में चले जाएं, आपको यकीन है कि मेरी बातों पे? आप चौक मुंडे चले जाएं, आप जब उतरोगे ना तो आप लोगों को कहोगे कि भैया मैंने शहजाद वेला मुंडे से मिला, और वो उसी वक्त आपको कहेंगे भैया कहाँ से है? मैंने उनको बताया मैं जुतोई जाऊँ कि तो पागल है तू क्या करना है? वो कहता है बंदे को बंदा नहीं समझता, उसको इतना गुरूर है पैसे का, उसका सगा चाचा मुझे उसके बारे में इतनी बातें कर रहा था। तो गाइस जिस शख्स का अपना सगा चाचा उसके बारे में ऐसे बात कर रहा है, तो इट्स मीन वो अपने भतीजे को तो अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो उसका खून का रिश्ता है। अच्छा तो व्यूवर्स अब इस बात में कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है, ये उसामा भाई जानते हैं या वेला मुंडा जानता है, ठीक है। हम लोग तो नाज़रीन हमने जो देखा आपको बता दिया, जो इनके दिल का हाल था आप तक मैं ले आया, तो अगर हो सका तो इन दोनों भाइयों के आपस में कोई सुलह करा के इनकी मीटिंग करा सकूंगा। अच्छा तो व्यूवर जो राव उसामा जावेद जो है, ये हमारे भाई राव वकार, न्यू राव स्टार भी चैनल आपने देखा होगा, उनके ये कज़न है। आप क्या नाम है, राव उसामा जावेद को सपोर्ट करें जितना हो सके, आप इन्हें सपोर्ट करें जैसे आप लोगों ने वेले मुंडे को सपोर्ट दिया, ताकि ये जो हमारा भाई है जो सब्ज़ी वाले के नाम से भी जितोई मशहूर है, ताकि इसको भी फेम मिल सके, ये भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। इसी के साथ मैं हूँ आपका अपना दोस्त, एक बात भाई करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ छोटा बड़ा यूट्यूबर कोई भी नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इंसान को खुद के लोगों का कमा बातें करना, ठीक है। मैं जब कैमरा उठा के जाता ना व्लॉगिंग के लिए, लोग कहते हैं ओए खैर है पागल है तू, ये देख लो आपने अगर कामयाब होना है ना मेरी आप ये नसीहत कर लो, अगर आपने कामयाब होना तो लोग आपके ऊपर बातें करेंगे। जब लोग आपको ये कह देना मैं तू तो निकम्मल तू पागल है तेरा किसी काम का नहीं है तू जाते तू कामयाब नहीं हो सकता, उस दिन ये समझो आप कामयाब हो गए। ठीक है, छोटा बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं होता, मतलब छोटा बड़ा कोई इंसान नहीं होता, छोटी बड़ी सिर्फ मेहनत होती है। जब मेहनत छोटी होती है आप कर रहे हो तो वो एक दिन बड़ी मेहनत बन जाती है, जब मेहनत बड़ी होती है तो उसके साथ आपका नाम भी बड़ा हो जाता है। इसी के साथ आपका अपना दोस्त आपका अपना भाई अली खुर्रम और फ़खरे मुल्तान को आप इजाज़त दें, और फ़खरे मुल्तान को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।